हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूं महाराष्ट्र डीजे सेटअप नंबर 2। महाराष्ट्र डीजे 1 की अपार सक्सेस के बाद ये मौका मुझे मिल रहा है कि महाराष्ट्र डीजे सेटअप नंबर 2 आप लोगों के लिए लाऊं, क्योंकि ये सेटअप ही कुछ ऐसा बना था, मतलब ये अपनी लिमिटेशंस पे काम करने वाला सेटअप बोला जा सकता है। मतलब जितना आप दो बेस में से परफॉर्मेंस ला सकते हैं उतना एक्सट्रीम लेवल का परफॉर्मेंस इस वाले सेटअप में मिल रहा था, और वैसे ही आज इसको दुगना करते हुए हम लोग महाराष्ट्र डीजे सेटअप नंबर 2 लाने वाले हैं। इस वाले सेटअप का मैं आपको प्राइसिंग बताता हूं, इस वाले सेटअप में क्या है मैं वो आपको दिखाता हूं, और इस सेटअप के चलाने का, वायरिंग का तरीका, सब कुछ मैं आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो विकी वैन का ऑफिस नंबर मैं यहां दिए देता हूं, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, इसका लाइव डेमो आप यहां आके देख सकते हैं। कई बार हम लोग आउटडोर में भी टेस्टिंग करते हैं, इस बार भी वैसे ही की है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब इसका डिटेल बताने से। सबसे पहले सेटअप में है 4 डुअल बेस, एक कैबिनेट में 2 स्पीकर, टोटल 4 कैबिनेट, 8 स्पीकर बेस में। टॉप ना देते हुए इसमें हमने दिए लाइन एरे, लाइन एरे में एक लाइन एरे में 2 स्पीकर, 4 HF हॉर्न लोडेड वाली लाइन एरे, जो मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपने देखी है उसी टाइप का लाइन एरे इसमें दिया है। इसका कलर था ऑरेंज, क्योंकि यहां काफी लोग ऑरेंज बहुत पसंद करते हैं। और इसका प्राइसिंग मैं आपको बताता हूं, इसमें बेस में हमने 2000 वॉट के स्पीकर डाले हैं और इसके लिए 9000 वॉट के एम्पलीफायर यूज किए हैं, 9000 वॉट के एम्पलीफायर। इसमें हमने लाइनरे जो यूज किए हैं उनको 2 अलग एम्पलीफायर देने की जगह हमने एक ही एम्पलीफायर दिया है। इसका पूरा वायरिंग, इसके साथ मिक्सर, क्रॉसओवर, सब चीजें हमने दी हुई है, और इसको आज मैं पूरे वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। अब मैं प्राइस पे आता हूं, क्योंकि मैंने 2 बार पॉइंट पलट लिया था। इसका प्राइस 5.5 से 6 लाख के बीच जाता है, ये आज का करंट का प्राइसिंग है। 2 साल के बाद आप वीडियो देखेंगे तो ये प्राइस चेंज हो जाएगा, तो प्राइस का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। लेकिन ये एक बात है कि इसमें 2000 वॉट के सुपर स्पीकर हैं और आउटपुट भी बहुत धांसू है। हमने इसे लॉन्ग रेंज पर भी चेंज किया है और शॉर्ट रेंज पर भी, तो आप दोनों वीडियोज देखिए। सबसे पहले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लाइनरे हमने बनाई है एक्सपो में, पेंट सूखना अभी बाकी है। लाइनरे की वायरिंग हमने पैरेलल कर रखी है। इसमें भी 16 ओम्स का जलवा हमने किया है नेटवर्क का। यहां पे 4 HF फिटेड आप देख सकते हैं अंदर की साइड में। ये हमारा फाइनल सेटअप है, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर 4 लाइन एरे लगे हुए हैं, नीचे डुअल के 4 बेस है। फिटिंग के बाद सीधा सेटअप ग्राउंड पे लाया गया है। इसे कलर करने में काफी समय लग जाता है, 3 बार इसे शेड देना होता है, तब जाके इस टाइप का शेड इसे मिल पाता है। इसके लिए हम जो वायरिंग करने वाले हैं वो कुछ इस टाइप की रहेगी। जैसे बेस हम लोग 4 ओम्स पे रन करने वाले हैं, 2 बेस के लिए एक एम्पलीफायर रहेगा AD9000, दूसरे 2 बेस के लिए दूसरा एम्पलीफायर वो भी AD9000। लाइनरे को हम लोग 2 ओम्स पे रन करने वाले हैं, एक ही एम्पलीफायर पे चारों लाइनरे हमारे चलने वाले हैं। ये हमारा मिक्सर है ऑडियोटोन M5, ये USB ब्लूटूथ एनेबल्ड है, AD9000 के 2 एम्पलीफायर रखे हुए हैं, साथ ही साथ प्रोटेक का ABX3600 एम्पलीफायर है जो कि 4 लाइन एरे बजाने के लिए सक्षम है। एक हमारा सिंपल वाला क्रॉसओवर है
क्योंकि कस्टमर को वायरिंग की प्रॉब्लम ना आए इसीलिए उन्होंने सिंपल वाला मांगा है। क्रॉसओवर जो है वो संबंध वाले पार्ट पे चलने वाला है, मतलब कि एक इनपुट और छह आउटपुट वाले पार्ट पे। क्रॉसओवर के बटन्स को हम लोग आधा आधा रख देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं किस टाइप से इसके बटन्स को हमको रखना होता है। क्रॉसओवर के बटन्स को हाफ हाफ रखने से गेन जो है लगभग उसे मिल जाती है जितनी चाहिए, और बटन दबा के हम लोग इसे टू वे पे करने वाले हैं क्योंकि हम लोग मिड हाई एक साथ निकालने वाले हैं। टू वे सिस्टम हमने दिया है और एम्पलीफायर के बटन्स जो है हम लोग फुल पे रखेंगे क्योंकि ये एक्चुअली गेन के बटन्स होते हैं, वॉल्यूम के नहीं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले इसको हम लोग जीरो पे रखते हैं, जीरो वॉल्यूम पे रखते हैं। मिक्सर के बटन्स की भी सेटिंग नहीं है, हम लोग इसे भी हाफ हाफ पे रख देते हैं। सारे बटन हाफ रखने से एक चीज समझ में आती है कि डीजे कुछ ना कुछ बजेगा। सिस्टम जो है हमारा, डीजे का सेटअप जो है वो कुछ ना कुछ बजेगा। हम फिर वहां से उसे कंट्रोल करके बढ़ा या घटा सकते हैं। ऊपर के बटन्स पे आपको ख्याल करना होता है, ये लाइन इन और फोनों के बीच का सिलेक्शन दिया होता है, हमें लाइन इन पे चलाना होता है। आप लोग लैपटॉप या मोबाइल लगाते हैं तो उसे लाइन इन पे लगाइए। बैक साइड से वायरिंग आप देख सकते हैं, ब्लू और ब्लैक हमने निकाला है ऊपर के एम्पलीफायर से जो कि लाइन एरे बजाने के लिए है। ब्लैक वाले दूसरे वायर से हम लोग बेस कनेक्ट करने वाले हैं। ये बेस देखिए, हर एक बेस को इंडिविजुअल वायर गया है एम्पलीफायर से, लेकिन लाइन एरे जो है वो दो आपस में कनेक्टेड है। चार स्पीकर को पैरेलल कनेक्ट करके आप 2 ohms पे से चलाने वाले हैं। फिटिंग में तो ज़्यादा कुछ था नहीं क्योंकि इसके पुराने वीडियोस में भी मैं इसकी फिटिंग दिखा चुका हूँ, लेकिन मेन मुद्दा ये था कि इसके साथ हमने दिया क्या है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि 9 9000 वॉट के एम्पलीफायर दिए हुए ऑडियो टोन के, इसके साथ एक एम्पलीफायर है जो चारों आपकी लाइन एरे बजाता है, उसके अलावा क्रॉसओवर एक दिया हुआ है, एक मिक्सर है, 5 मीटर की वायरिंग्स है, और इसको चलाने के लिए जो जनरेटर लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो साथ में दिया हुआ नहीं है। 5.5 से 6 लाख रुपए के बीच में ये पूरा सेटअप है विदाउट जनरेटर। आप लोग लेने के लिए ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका टेस्टिंग वाला पार्ट आप देखिए, क्योंकि हमने उसमें दो तीन टाइप की अलग अलग टेस्टिंग दिखाई है, कुछ रीजनल सॉन्ग्स पे, कुछ NCS के सॉन्ग पे, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स जिसको बोलते हैं, थोड़ा दूर से, थोड़ा नज़दीक से, और सभी प्रकार की टेस्टिंग हमने कोशिश की है। तो आप लोग इसे हेडफोन लगा के सुनिए ताकि आपको वो एक्सपीरियंस मिल सके जो कि हम लोग आउटडोर में जाके करते हैं। Thank you.
particle beam weapon. टेस्टिंग के बाद कस्टमर का फीडबैक लेना हमारा काम होता है। कस्टमर से जब फीडबैक मिला, कस्टमर खुद वहाँ खड़े रह के सुन रहे थे, उनकी छाती हिल रही थी जैसा कि वो बोल रहे थे, और काफ़ी मतलब ज़बरदस्त उनको परफॉर्मेंस लगा बेस का। और लाइनरें तो आप जानते ही हैं, क्योंकि 4 HF वाली है और हॉर्न लोडेड है तो उतनी लंबी रेंज तक काम करती है। अब इसको क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन प्रॉपर देने होते हैं। अगर आपका एम्पलीफायर मैचिंग नहीं होता है स्पीकर्स के साथ सही तरीके से, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा सेटअप में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा सेटअप ही बना के देते हैं। और महाराष्ट्र डीजे सेटअप में हमने बेस को एक्सट्रीम लेवल तक जाके बनाया हुआ है। इसमें हमने पंच का भी ख्याल रखा है, ना कि सिर्फ वाइब्रेशन का। पंच इसमें हम लोग थोड़ा सा क्रॉसओवर की सेटिंग के थ्रू करते हैं। आप लोगों को इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, इसीलिए मैंने 5.5 से 6 लाख बोला है, क्योंकि आप इसमें आइदर एनालॉग क्रॉसओवर लीजिए या तो फिर डिजिटल क्रॉसओवर लीजिए, ये आपकी चॉइस पे है। आप अगर बोलेंगे डिजिटल तो थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिलने वाली होती है। अब आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो का टेस्टिंग वाला पार्ट कैसा लगा, क्योंकि टेस्टिंग कराने के लिए क्या होता है, गाड़ी लानी पड़ती है, जनरेटर लाना पड़ता है, बरसात देखनी होती है, कई बार भीगना होता है। कुछ दिन पहले का किस्सा मैं आपको बताऊंगा। हम लोग शाम में 5:30 बजे पहुंचे थे टेस्टिंग के लिए, हालांकि लेट हो चुके थे। हमने मटेरियल लगाया और अचानक बरसात आ गई। लगभग रात के 9:30 बजे तक बरसात आई। हम लोग उस मटेरियल को छुपा के, उसके ऊपर पॉलीथीन लगा के, सेटअप को भीगता हुआ छोड़ के कैसे कैसे काम किया हमने। लेकिन अब ये सब कैसे हो पाता है, ये सब काफ़ी एफर्ट वाला काम है। 1 या 2 दिन में ये होने जैसा नहीं है। इस सेटअप के पीछे जितना एफर्ट किया जाता है ना, इसे फिटिंग से लेके इसे पूरा इंस्टॉल करने तक, इसके ग्रिल्स पे मगजमारी की जाती है, क्या बताऊँ, ग्रिल्स का पैटर्न चेंज करने पे काफ़ी कुछ होता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है कलर। कलर कई लोग ऑप्शन मांगते हैं ऑरेंज का, कई लोग रेड का मांगते हैं, तो वो हमें करके देना होता है, ये ऑप्शन होते हैं। लेकिन इस बार ऑरेंज कलर था तो इजी गया, क्योंकि ऑरेंज का थीम बना हुआ होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को टेस्टिंग पसंद आई हो, और आप लोग अगर इसे लेना चाहते हैं तो ऑफिस नंबर पे क्लिक करके वहाँ से हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू गाइस।